नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, उसके बारे में क्या कुछ हमारी ड्रीम इलेवन होने वाली है, क्या कुछ हमारी प्लेइंग इलेवन होने वाली है। साथ में ड्वेन ब्रावो बाहर हो गए हैं दोस्तों 2 वीक के लिए, वो मैं पिछली वीडियो में आपके लिए बता चुका था। फ्रेंड्स, अभी तक आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैच कब होने वाला है। मैच एम ए चेन्नई समय स्टेडियम में होने वाला है, जो कि एक आपके लिए अच्छा स्पिन ट्रैक है। यहाँ पर स्पिनरों को मदद मिल रही है दोस्तों, बल्लेबाजी इतनी अच्छी हो नहीं रही आमतौर पर जितनी चेन्नई स्वामी में होती थी। मतलब 200 प्लस भी स्कोर आपको देखने को मिलता था, लेकिन इतनी अच्छी बल्लेबाजी आजकल हो नहीं रही यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं मैच को, यहाँ पर 52 खेले गए हैं आईपीएल में। इनमें से पहले बैटिंग करने वाली ने 32 मैच जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली ने आपके लिए यहाँ से 19 मैच जीत के दिए। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आप यहाँ से देख सकते हो 165 और सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर आप यहाँ से देख सकते हो 151 है। चलिए बात करते हैं हाईएस्ट रिकॉर्ड की। हाईएस्ट रिकॉर्ड टोटल यहाँ से 246 बना है, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर हो जाता है T20 के हिसाब से। उसके अलावा लोएस्ट टोटल 70 रन बना है, जो कि इसी सीजन में बनाया पहले मैच में। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हाईएस्ट चेस 208 हुआ है, मतलब पहले काफ़ी अच्छा विकेट था। इस आईपीएल सीजन की बात की जाए 2-3 मैच हुए हैं, इतना अच्छे स्कोर यहाँ पे नहीं बनाया, चाहे पहला मैच हो या लास्ट वाला मैच जो यहाँ पे हुआ था पंजाब और चेन्नई का, उसके बारे में। मतलब यहाँ पे स्पिनर्स की मदद मिलती है। बात करें लोएस्ट डिफेंड की, 134 रन यहाँ पे लोएस्ट डिफेंड रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड कुल 21 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 12 चेन्नई सुपर किंग्स ने और 8 यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते। हालांकि आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, 1 और 2 पोजीशन टीमों के बीच होने वाला है और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी यहाँ दोनों ही टीमें, तो देखते हैं दोस्तों कौन यहाँ से बाजी मारता है। बात करें स्पेशल चेन्नई की, चेन्नई में कुल 8 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, इनमें से 6 मैच यहाँ से आपके लिए चेन्नई ने विन करके दिए हैं सीएसके ने, और यहाँ से 2 मैच केकेआर ने विन करके दिए। आप यहाँ से संभावित 11 देख सकते हो दोनों टीमों की। यहाँ से आप चेन्नई सुपर किंग्स की देख सकते हो और आप यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स की देख सकते हो। मैं आपके लिए बढ़िया से अच्छे से टीम डिस्कस करेंगे, हम टीम तैयार करते हैं, समय वहाँ का ज़्यादा याद रहता है और आपके लिए ज़्यादा समझ में भी आता है। हम यहाँ पे टीम डिस्कस नहीं कर रहे, आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन। विकेट कीपिंग सेक्शन में महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक दोनों ही आपको 5 से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। इस सीजन में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी अच्छे टच में दिखे हैं, जबकि दिनेश कार्तिक इतने अच्छे टच में नहीं दिखे। आप चाहो जिस टीम में ट्राई कर सकते हो। दोनों का बैटिंग ऑर्डर लगभग 5 नंबर है और दोनों ही आपके लिए सेम कैडेट नो कैडेट के हैं। आप चाहो जिस भी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए कैडेट की कोई प्रॉब्लम यहाँ से आएगी नहीं। आप चाहो तो महेंद्र सिंह धोनी को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो दिनेश कार्तिक को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। इस मैं यहाँ से दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और विकेट कीपिंग इनकी थोड़ी सी अच्छी है दिनेश कार्तिक की। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की। यहाँ से बात करें यहाँ से फेफ डू प्लेसेस आपके लिए, सॉरी शेन वॉटसन आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे फेफ डू प्लेसेस के साथ। आप चाहो इन टीम में ट्राई कर सकते हो। शेन वॉटसन हालांकि इस टूर्नामेंट में अभी तक इतने अच्छे टच में नहीं दिखे, पिछले मैच में थोड़े अच्छे शॉट जरूर खेले थे लेकिन जल्दी आउट हो गए थे, 34-35 रन का स्कोर करके आउट हो गए थे। आप चाहो इन टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो दोस्तों यहाँ से लिन को टीम में ट्राई कर सकते हो। मैंने आपके लिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ से ओपन रखे हैं, या लिन को ट्राई कर सकते हो या फेफ डू प्लेसेस को। लिन पिछले 2 मैचों से अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, पहले इससे पहले वाले मैच में 43 रन का स्कोर किया था, लास्ट वाली मैच में 50 रन का स्कोर किया था। अब आपको डिसाइड करना है आपको शेन वॉटसन को टीम में ट्राई करना है या क्रिस लिन को टीम में ट्राई करना है। मैं यहाँ से दोस्तों क्रिस लिन को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो शेन वॉटसन को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ से रैना की जगह भी शेन वॉटसन को टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते सुरेश रैना। सुरेश रैना को मैं किसी भी कंडीशन पर मिस नहीं कर सकता, हालांकि लास्ट मैच इनका इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं T20 में, स्पेशली T20 में सुरेश रैना को मिस नहीं कर सकता, वो भी IPL में, क्योंकि बहुत शानदार बल्लेबाज हैं दोस्तों, आपके लिए लगातार स्कोर करके देते हैं और IPL में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के हैं। इस वजह से मैं इन्हें टीम में ट्राई कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ से शेन वॉटसन को भी टीम में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बात करें क्रिस लिन की सिचुएशन, मैंने आपको भी बताई दी है, ओपन करने के लिए आएंगे सुनील नारायण के साथ और काफ़ी शानदार बल्लेबाज है, लास्ट 2 मैचों से काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। पिछले मैच की बात की जाए या उससे पहले वाले मैच की बात की जाए, दोनों ही मैचों में इन्होंने स्कोर करके दिया है, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। अंबाती रायडू के बारे में बात की जाए दोस्तों, इनसे लगातार ओपनिंग कराई गई, लेकिन ओपनिंग में ये फैल रहे तो इनसे नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी एज अ फिनिशर के रूप में कराई गई। लास्ट मैच में हालांकि ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और दोस्तों अपनी टीम के लिए एज अ फिनिशर काम करेंगे। आप चाहो इन्हें टीम में ले सकते हो यहाँ से फेफ डू प्लेसेस की जगह, अदरवाइज आप फेफ डू प्लेसेस के साथ भी जा सकते हो। फेफ डू प्लेसेस को लास्ट मैच में मौका दिया गया और अपनी टीम की ओर से इन्होंने ओपन की, ओपन करते हुए दोस्तों शानदार बल्लेबाजी की और 50 रन का स्कोर के इन्होंने 50 प्लस स्कोर करके
दिया 38 गेंदों में 54 रन का स्कोर करके इन्होंने दिया था। आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी हैं और बहुत शानदार बल्लेबाज भी हैं। उसके अलावा रॉबिन उथप्पा आपके लिए लगातार अच्छा स्कोर करके दे रहे हैं। लास्ट मैच में भी 26 रन स्कोर करके दिया था, उससे पहले भी अच्छा खासा स्कोर करके इन्होंने दिया था। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो इन्हें अवॉइड कर सकते हो। जरूरी नहीं दोस्तों मैं जिस टीम के साथ जा रहा हूँ आप सेम टीम के साथ जाओ, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ से गाइड करता हूँ, ना कि आपके लिए प्रेशर करता हूँ किस टीम किसे लेना है किसे नहीं लेना। उसके अलावा बात कर दोस्तों यहाँ से नीतीश राणा को आप टीम में ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, हालांकि लास्ट मैच में इन्हें थोड़ा डिमोट किया गया था 5 नंबर पर, क्योंकि जीतने के लिए इतने रन नहीं चाह रहे थे वो दोस्तों, सेकंड इनिंग्स थी तो सम्मान गिल को थोड़ा सा टेस्ट किया गया था, इसलिए उन्हें नीचे भेज दिया गया। आप इन्हें चाहो टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों केदार यादव आमतौर पर 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में 6-7 नंबर पर इन्हें फेंक दिया गया था, तो आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। उसके अलावा सैम बिलिंग्स आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जियो डेली आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मुरली विजय खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और ऑप्शंस की बात करें शुभमान गिल, लास्ट मैच में इन्हें प्रमोट किया गया था नंबर 4 पर, लेकिन हर एक मैच में नहीं किया जाएगा मुझे ऐसी आशा है। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की। दोस्तों एक और बात बता दूं, मैं आपके लिए एक ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके दूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं उसका आपके लिए डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू आपको दिखा दूंगा। आंध्र रसल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, हालांकि लास्ट मैच में इनसे ना इतनी बॉलिंग कराई गई ना भी इनकी बैटिंग आई, तो आपके लिए एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ी सी रिस्की हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं मैंने उसका रीजन बता ही दिया, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए नीचे आते हैं, बॉलिंग इतनी इनकी टीम अभी इनसे कराई नहीं रही, यदि एक दो मैच निकाल दिए जाएँ तो उसके अलावा इतनी ज़्यादा इनसे बॉलिंग कराई नहीं गई। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन अवॉइड तो आप नहीं कर सकते, स्पेशली स्मॉल लीग में दोस्तों अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं और बॉलर भी उसके अलावा शानदार। यदि उससे पहले वाला मैच देखा हो 13 गेंद में 48 रन की इनिंग्स खेली थी, ऐसी इनिंग्स खेल के दे रहे हैं, यदि दोस्तों ये 10 से 12 गेंदें भी खेल गए तो आपके लिए 30 से 40 रन का स्कोर करके दे सकते, इसलिए आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, अवॉइड इनको नहीं कर सकते। ड्वेन ब्रावो के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आपके लिए खेलती हुई नजर नहीं आएंगे, 2 वीक्स के लिए बाहर है। उसके अलावा सुनील नारायण आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लास्ट मैच में ए भी अपने फॉर्म में दिखे, तब से इनकी बॉलिंग एक्शन चेंज हुई है दोस्तों, इतने विकेट नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लास्ट मैच में अच्छे यहाँ से परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिया था। बात करें यहाँ से रविंद्र जडेजा की बात करें दोस्तों, रविंद्र जडेजा आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बल्लेबाजी क्रम तो इनका छोड़ ही दीजिएगा, कम से कम 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, आप इन्हें एज अ बॉलर टीम में ट्राई कर सकते हो। बॉलर दोस्तों इनकी बॉलिंग भी लास्ट मैच में इतनी अच्छी नहीं रही थी, कोई विकेट इन्हें नहीं मिला था, 4 ओवर में शायद 30 या 32 रन दिए थे, विकेट भी इन्हें कोई नहीं निकाल पाए थे। उसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट और मिचेल सैटनर आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, आप चाहो तो रविंद्र जडेजा को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। स्पिन ट्रैक है तो आप इन्हें चाहो तो टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इन्हें अवॉइड भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, इमरान ताहिर को मैंने टीम में ट्राई किया, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, लगातार आपके लिए शानदार गेंदबाजी करके दे रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, और विकेट भी निकाल रहे हैं, लास्ट मैच में भी इन्होंने 1 विकेट निकाल के दिया था, उसके अलावा 2 विकेट निकाल के दिए थे। दीपक चहार के बारे में बात करें, लास्ट ओवर मैच में दोस्तों 4 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट निकाला था, क्योंकि आमतौर पर इनसे शुरुआत में ही गेंदबाजी करा ली जाती थी, लेकिन लास्ट मैच में इनके क्या ड्वेन ब्रावो नहीं थे तो डेथ ओवर में गेंदबाजी ने करनी पड़ी। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। शार्दुल ठाकुर लगातार आपके लिए एक विकेट निकाल के दे रहे हैं। हरभजन सिंह लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, आप चाहो इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो, लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इन्हें बैठा दिया जा रहा है। यदि आपने देखा हो 2 मैच खिलाते हैं फिर 1 नहीं खिलाते, 1 मैच खिलाते हैं फिर 1 नहीं खिलाते, लास्ट मैच में मैन ऑफ द सीरीज मैच रहे थे, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से कुलदीप यादव को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि अभी तक इतने टूर्नामेंट में इसने इतने रंग में नहीं देखे, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था, उससे पहले 2 विकेट निकाले थे, लेकिन इतने अच्छे रंग में नहीं देखे, लेकिन काफ़ी शानदार वाले बॉलर हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपके लिए पूरी संभावना है कि पिच स्पिनर्स को मदद करे, इस वजह से मैं इन्हें टीम में ट्राई कर रहा हूँ। पीयूष चावला आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें भी टीम में ले सकते हो। उसके अलावा गर्ने भी लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे दोस्तों, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, 2 विकेट निकाल के दिए थे, इनका डेब्यू मैच था, तो आप इन्हें टीम में ले सकते हो। 4 ओवर में 27 रन देके इन्होंने 2 विकेट निकाले थे लास्ट मैच में, एक ही मैच में इन्हें मौका दिया गया है। लॉकी फर्गूसन को मौका नहीं देने वाली टीम, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में ज़्यादा महंगे साबित हो गए थे दोस्तों। और यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन यहाँ से स्कॉट खोजले ने आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, बॉलिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, लास्ट मैच में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाली अपनी टीम की ओर से, हालांकि रन 37 इन्होंने दे दिए थे। आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप इनकी जगह किसी और को भी टीम में ट्राई
कर सकते हैं। लेकिन मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ। यदि आपने न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक सीजन देखा हो या दोस्तों जो न्यूजीलैंड का T20 सीरीज हुई थी उसमें देखा हो तो आपके लिए बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आ जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं। उसके अलावा गेंदबाजी तो T20 स्पेशलिस्ट हैं ही। और यहाँ से ऑप्शंस की बात करें, इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई है नहीं कि आप यहाँ से टीमें ट्राई करो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की। यहाँ से स्मॉल लीग के लिए टॉप 3 ऑप्शंस बताऊँ मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, तीनों ही आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। आप रैना को भी टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि दोस्तों रॉबिन थप्पा लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहा है। क्रिस लिन आपके लिए फॉर्म दिखी है। फेफ डू प्लेसेस ने एक ही मैच खेला उसमें भी शानदार 50 लगाई और दोस्तों काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। रैना आपके लिए T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो मतलब आपके लिए 3 से 4 ऑप्शन बेस्ट हैं। आप यहाँ चाहो तो यहाँ से क्रिस लिन को अवॉइड कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन फिर भी आपके लिए 3 ऑप्शन तो आपके लिए बेस्ट हैं। सुरेश रैना, फेफ डू प्लेसेस और रॉबिन थप्पा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आप इनमें से टीम ट्राई कर सकते हो कि एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। चलिए हम तैयार कर लेते हैं हमारे ग्रैंड लीग की टीम। मैं उसका डायरेक्ट आपके लिए फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं। आप यहां से दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम का फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। इसमें हालांकि मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में पूरे ही मैंने स्पिनर आपके लिए यहाँ से भर लिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो रविंद्र जडेजा सुनील नारायण, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, मतलब 5 स्पिन बॉलिंग गेंदबाजी मैंने यहाँ से ले ली। यहाँ से उसके अलावा नीतीश राणा भी आपके लिए स्पिन गेंदबाजी करके दे सकता है, 1-2 ओवर फेंक के दे सकता है। लगभग मतलब 6 स्पिन गेंदबाज हैं, क्योंकि यदि टीम यहाँ से विकेट स्पिनर्स के लिए मदद करती है तो आपके लिए ये टीम काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।